मेरे एनिमल्स साइड करो, मेरे एनिमल्स। कौन से एनिमल्स है ये? वाइल्ड एनिमल्स? हाँ, मैं और ला रहा हूँ। पहले इसी को तो दिखा दो, डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स। जल्दी से आना। हाँ, सी माय सो मेनी एनिमल्स, आई हैव सो मेनी एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स बोथ। हाँ, मैं पहले At first I will show domestic animals. Okay. दिखा दो ना, जल्दी जल्दी करो ना, काम है मेरे को बहुत सारा। हाँ बस। हाँ, सी। अच्छा नाम बता दो, कौन कौन से एनिमल्स? कैमल, हेन, हॉर्स, गोट, बफेलो। ओह, बफेलो मतलब? बफेलो इज द टाइप ऑफ अ काउ। इज अ काइंड ऑफ काउ। यस। कौन से कलर की होती है? इट इज ब्लैक एंड ब्राउन। ब्राउन तो नहीं होती, ब्लैक। ब्लैक एंड वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स इज सो मच, सो मच, सो मैनी, सो मैनी। पकड़ नहीं पा रहा चीकू, इतने सारे एनिमल्स हैं इसके पास, दिखाओ। अच्छा तो मैं बता देता हूँ बस। राइनोसोरस, डियर, रेनडियर, एलिफेंट, पोला बियर, ओके, लायन एंड जिराफ, टाइगर, यस, पांडा, ओके, फॉक्स, वुल्फ, चिंपैंजी, ऑस्ट्रिच, यस, ज़ेब्रा एंड गूज। ओ, गूज? यस। गूज आर द वाइल्ड एनिमल? नो नो, बट it is a wild animal, but it is not acha, it is not dangerous. Yes, it is a wild animal but not dangerous. This is wild animal. Yes, it is not live in village, it is live in jungle. It is no, it lives in jungle. aise bolta hai, it is nahi bolte, theek hai? Okay, pata nahi mere ko, चिकू को तो वैसे भी मेरे से ज्यादा ही पता रहती है चीजें ना। यस, मैं लायन किंग खेल रहा था इसके साथ। लायन। और क्या, बस कपड़े तो फोल्ड हो गए मेरे, वहां पे जो पड़ा हुआ है पूरा मैस मेरे टेबल के ऊपर, वो सबको क्लीन करूंगी। बोल दो। एंड सिम्बा इज मारने को? हाँ, किल। एंड सिम्बा इज किल द मुफासा। सिम्बा इज किल, सिम्बा किल्स मुफासा। हु इज मुफासा? मुफासा इज द, आई डोंट नो, आई डोंट नो, यू टेल मी। जरूरी है इंग्लिश में बोलना चीकू? वैसे नॉर्मली एकदम हिंदी में बात करता है, बट जब वो कैमरा ऑन देखता है तो पता नहीं क्यों इंग्लिश में बातें करना शुरू कर देता है। एंड अच्छा है बच्चे इंग्लिश में थोड़ा बोलने की लाइक हैबिट रखे तो, है चीकू? यस, बट प्लीज यू टेल मी हु इज द मुफासा। आई डोंट नो, आई आल्सो डोंट नो। We will ask Titi, okay? Mufasa is the villain of the Lion King movie. Yes, yes, yes. Correct. इसके हेयर वॉश किया था कल मैंने, कल पार्टी में जाना था तो मेरे भी ऑयल नहीं लगे हुए हैं, मैंने भी हेयर वॉश किया था, चीकू के भी हेयर वॉश किया है, तो आज ऑयलिंग करूँगी अच्छे से, एकदम गंदे लग रहे हैं इसके बाल। एंड आजकल थोड़ा सा बिजी रह रही हूँ मैं, क्योंकि
पता नहीं, थोड़ा सा टाइम टेबल भी मेरा डिस्टर्ब हो गया है एंड थोड़ा सा टाइम की कमी हो रही है। तो बच्चों के भी हेयर में मैंने 2 टाइम्स लगाती थी, मैं वीक में 2 डेज लगाती थी ऑयल, बट अभी एक ही बार लगा पा रही हूँ। यस बेटा बोल, बोलो बोल। माय क्लासेस ऑन माय क्लास इज ऑन 11:30 टू 1:01। माय क्लास इज फ्रॉम 11:30 टू 1 PM। ओके एएम। और भी कुछ बताना है मम्मा? AM मतलब जो सुबह रहता है ना मॉर्निंग, उसको AM बोलते हैं, 11:30 AM, ठीक है। बट 1 PM हो जाएगा, 12 बजे के बाद को PM बोलते हैं, ठीक है। ओके समझ में। रात को PM बोलते हैं, सिर्फ 12 बजे के पहले, देखो वो रहा क्लॉक, 12 बजे के पहले जो रहता है ना उसको AM बोलते हैं, 12 बजे के बाद का टाइम रहता है ना उसको बोलते हैं PM, उसको बोलते हैं PM। PM दिखाओ, दिखाओ तो इधर, ये हमारा चिकू है। चिकू है हमारा, चिकू है क्या? हाँ। अरे हमारे चिकू का तो बर्थडे आ रहा है, कब है? 7 मार्च। अरे हमारा चिकू बड़ा हो गया, कितने इयर्स का हो गया? 5 2 days। मैं अभी 5 years का हूँ, फिर बर्थडे को 6 years का हो जाऊँगा। Yes, now I am 5 years old and on my birthday I will turn 6 years. Yes. Okay. और दीदी कितना? That's it. Okay, bye. That's it. Okay, bye. और दीदी कितने years की है? चीनी दीदी? 10 years की है। और दीदी 11 years की कब होती है? बर्थडे पे। कौन से बर्थडे, कब आता है? 9 जुलाई। ओ, जुलाई में आता है दीदी का बर्थडे। और हमारे चिकू का आता है मार्च, मार्च में। मम्मा मेरे बर्थडे पे आपने, मैं बोला था कि क्या लूंगा मम्मा? Avengers। कल मैंने आपको बताया कि कल हम लोग मॉल गए थे गिफ्ट परचेज करने के लिए, तो वहाँ पे गिफ्ट वाली शॉप जो थी, तो वहाँ पे बहुत सारे टॉयज थे, तो सब टॉयज एंड सब चीज़ों को देख के तो चिकू एकदम मस्मराइज हो गया था ना, मेस्मराइज हो गया था। तो उसको लग रहा था मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, एंड वो अभी उसका बर्थडे आने वाला है, लाइक 1 week 2 weeks बचे हैं उसके बर्थडे में, तो उसने पहले से ही डिमांड कर लिया है एंड अपना गिफ्ट जो है चूज करके आ गया है वो, एंड बोला मुझे कि यही वाला। उसने 2 options रखे है ना, 2 options है ना मम्मा, वो एवेंजर्स मेरे को ज्यादा पसंद आया था दोनों में से। अच्छा, कौन से दोनों में से, क्या क्या चीजें थी? जीप एंड मैं जीप में कार बोलते हैं उसको, महिंद्रा कार। अच्छा, क्योंकि जीप तो वो ना थोड़ी सी छोटी रहती है महिंद्रा कार से, ठीक है। तो और ट्रक, डम्प ट्रक, उसके पीछे बैठ बहुत सारे चीजें ले जाते हैं। अच्छा, पर मेरे को दोनों पसंद नहीं आया, मेरे को एवेंजर्स पसंद आ गया। उस पे थे कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, आयरन मैन एंड हल्क। ओके, थानोस को मारना है, मेरे को थानोस तो है ही नहीं। तो इसको सुपर हीरोज बहुत ज्यादा पसंद है एंड लाइक स्पेशली कौन से, एवेंजर्स, एवेंजर्स के बहुत बड़ा फैन है ये। तो एक बार दिखा दो तो अपनी जो अपने सुपर हीरो बनाइए। वाओ, सुपर हीरो बनाया है चिकू तो? नहीं मम्मा। अच्छा, मैं दिखा दूंगी बाद में। नहीं मम्मा, मैं दिखाना अच्छा नहीं समझ। बहुत सुंदर बनाया है वो। नहीं है। ब्यूटीफुल है। मेरे को थॉर बनाना था। ठीक है,
चीकू बहुत सुंदर ड्राइंग बनाता है, तो उसके स्कूल में एक एक्टिविटी था सुपर हीरो बनाने का, तो उसने एक अपने इमेजिनेशन से एक सुपर हीरो बनाया है, एंड कौन कौन से फीचर्स उसमें होने, सुपरमैन कौन कौन से उसमें फीचर्स होने चाहिए एंड क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसने बनाया है। तो बहुत सुंदर है, मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी, उसकी बैग के अंदर है उसकी ड्राइंग कॉपी। एंड यस, मैं बोल रही थी मॉल गए थे हम लोग, तो उसको एवेंजर्स वाली एक पूरी पैक थी, लाइक एक टॉय था पूरा पैक इतना बड़ा, तो वो हाँ, उसको बहुत ज्यादा। उसमें बता दो कि कौन से अभी तो कैरेक्टर्स आपने बताया। हैं, हल्क एंड सच एज स्पाइडरमैन एंड आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका। ओ, तो ये सब थे उसमें, तो उसको बहुत ज्यादा पसंद आया था वो। और एंड उसको थानोस एक एलियन है जो टॉर्नेडो नहीं टाइटैनिक प्लैनेट से आया है, वो एक टाइटैनिक प्लैनेट भी होता है। हाँ वो प्लैनेट पता नहीं शायद ही वो मार्स के पास होगा, और टाइटैनिक प्लैनेट टाइटैनिक प्लान से वो एलियन थानोस आया है, वो सब उस पे प्रहार कर रहे थे, प्रहार, अटैक कर रहे थे। अटैक कर रहे थे, अचानक से थानोस ने हल्क को पीछे से एक मार दिया सर पे, हल्क को गुस्सा आ गया, वो एक आदमी था हल्क, वो उसको गुस्सा आया तो वो हल्क बन गया बड़ा होकर, ग्रीन हो गया पूरा, फिर फिर उस दोनों थानोस और हल्क के बीच लड़ाई शुरू हो गई बस। ठीक है, तो चीको एवेंजर्स की स्टोरी बताने लग गया, और मैं बोल रही थी कि एक बार मुझे कंप्लीट करने दो, ठीक है, फटाफट से। तो हम लोग मॉल गए थे, तो चीकू को दो गिफ्ट पसंद आए थे, एक कार था जो कि ऑल टाइम फेवरेट है चीकू का, कार्स। चीकू को कार्स का बहुत ज़्यादा शौक है, एंड वो लिटरली सब कार्स के नेम जानता है। आप कोई भी कार की मॉडल उसको, लाइक जो एक्चुअल वाली कोई भी कार की मॉडल पूछ लेंगे, जब हम लोग रोड पे जाते रहते हैं, तो कोई भी कार की मॉडल देख के वो बता सकता है कि कौन सी कार है ये। एंड तो उसको कार का बहुत ज़्यादा शौक है। हमारे कार है मारुति सुजुकी डिजायर और वाइट कलर की है। ठीक है, तो बस देखते हैं उसके बर्थडे पे कौन सा गिफ्ट लेकर आते हैं। उसने टू गिफ्ट सिलेक्ट करके रखी है ना चिकू, टू गिफ्ट में थ्री गिफ्ट और एक क्या था, द एवेंजर्स एंड कार, टू गिफ्ट्स हुए। नहीं ना, और ट्रक और कार, अच्छा, थ्री हो गए क्या हाँ ट्रक जीप और वो क्या बोलते हैं वही एवेंजर। एवेंजर्स? ओके ठीक है, चलो। मैंने डायनासोर भी सिलेक्ट किया है, मैंने एनिमल्स भी सिलेक्ट किया है, जैसे इनमें से कि आपको जो पसंद आएगा वो ले लूंगा मैं। और चिकू तो कुछ भी मतलब डिमांड ही नहीं करता ना, है ना, है ना, बिल्कुल डिमांड नहीं करता, बहुत हमारा प्यारा वाला बच्चा है। तो चिक, जैसे कि मैंने बताया, चिकू गिफ्ट के शॉप में इतने सारे टॉयज देख के लाइक एकदम क्रेजी हो गया था, तो और सब उसके फेवरेट हो गए थे। एक ऐसा बॉल रहता है जो ऐसे ऐसे दबाते हैं तो वो एकदम ग्रीन हो जाता वो है। चीन दीदी ने क्या बताया था उसको, पॉपिट बोलते हैं क्या? नहीं, उस पॉपेट बॉल, अच्छा, इसको वो बॉल को ऐसे दबाते हैं तो इधर से एकदम चैली टाइप हो जाता है। हाँ, और पॉपेट दूसरा होता है जिसको ऐसे दबाते दबाते रहते हैं, ठीक है। कोई भी शेप का रहता है, कोई भी शेप का आ जाता है वो ऐसे दबाते रहते हैं, ओके दूसरी तरफ से भी दबा सकते ठीक हैं है, ओके ठीक है, चलो अभी काम कर लेते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आपने देखा चिकू की नेवर एंडिंग बातें, तो व्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।